Hey student, today we will going to read chapter 4th, okay, page number 36. Okay student, last video में जो मैंने आपको homework दिया था, have you did it? क्या आप लोगों ने वो किया? जैसे ये homework था, write look in your kitchen and write down names of food item. आपको food items लिखनी है, can get spoiled in 2 or 3 days. जो food item 2 or 3 दिन के बीच खराब हो जाती वो लिखना था. Can be kept for a week, वो things लिखनी थी food item जो 1 सप्ताह तक रख सकते हैं. Would not spoil till 1 month, जो चीज़ें 1 महीने तक खराब नहीं होती उनका लिखना था name. Then इसको लिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना था. When food gets spoiled in your house, what do you do with it? Okay? Yes. Let's start. बीजी रिटर्न द ब्रेड. अब बीजी ने रिटर्न ब्रेड को रिटर्न किया, क्यों किया देखते हैं. अमन बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. ठीक है, अमन बीजी मार्केट में गया ब्रेड लेने के लिए. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. शॉप में बहुत सारी भीड़ थी. द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी. शॉपकीपर ने क्या किया, एक ब्रेड का पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया. She looked at it and returned it immediately. उसने उस ब्रेड को देखा और तुरंत उसे वापस कर दिया. Look at the picture of the bread packed here and guess why BG returned it. इस ब्रेड की पिक्चर देखेंगे ध्यान से और गैस कीजिए उसने ये क्यों रिटर्न कर दिया. How did she find the bread had got spoiled? उसने कैसे देखा कि ब्रेड स्पॉइल हो गई है, खराब हो गई है. Find out. Look carefully at the 2-3 packets of food item. What can we know from what is written on the packets? When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? Okay, ये find out करना है आपको. And ये question है यहाँ पे. How did she find the bread had got spoiled? Okay, ये आपको अपने आप से find करना है. Next, how does food get spoiled? So food is spoiled कैसे होता है? The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread of roti, sprinkle a few drop of water on it and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day. Okay, you find some changes on it. Make this table on a chart paper and put it up in the classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. Okay, एक ब्रेड का पीस लेना है, उस पर कुछ ड्रॉप पानी के डालने, फिर उसको लंच बॉक्स में बंद कर देना. फिर उस ब्रेड के पीस में क्या चेंजेस आते हैं डेली आपको लिखना है. चेंज इन द ब्रेड और रोटी बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू आउट हैंड, बाय कलर. ओके, डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस. इनके रीज़न, वो जो ब्रेड का कलर है क्यों चेंज हो रहा है, वो रीज़न फाइंड करने. फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड. जो फंगस जो ब्रेड पे लग रही है वो कहाँ से आए. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीज़न. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग तरह के जो खाने हैं डिफरेंट रीज़न के कारण स्पॉइल होते हैं. सम फूड स्पॉइल सून, कुछ खाना जल्दी स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है. सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, कुछ खाना काफ़ी देर तक रख सकते हैं. लिस्ट सम सीजन एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली. ओके, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दीज कुड बी कैप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days. मैच द करेक्ट पेयर्स. ओके, डू इट योर सेल्फ, ये आपको अपने आप से करना है. और ये जो यहाँ पे रीड करते समय यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हैं आपको क्वेश्चन फाइंड करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी. ओके स्टूडेंट, एंड डेली आपको रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, ये आपका होमवर्क है. और ये क्वेश्चन यहाँ से रीड करते हुए जो यहाँ तक आए हैं क्वेश्चन, और आपको ये मैच द पेयर खुद से करना है. नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर बताऊंगी. ओके स्टूडेंट, एंड डेली आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट, जो होमवर्क आपको मिलता है डेली आपको कंप्लीट करना है. यस, नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.